मजेदार, फायदेमंद और फनी भी। आयशा मेरा एक दोस्त, उससे मेरी मुलाकात कहाँ हुई? मैं सुबह सुबह होटल से बाहर निकला, मुझे टूथपेस्ट चाहिए थी, तो मेरी अचानक से उस पर नजर पड़ी। मैं कहा, ओए गुड्डू, वो तू थे कितने, उसे देखते ना मुझे लाहौर के पुराने नाश्ते, बोंग पाए खाद सब याद आने लगा। मैं कहा, क्या हाल है तेरा? कहता है, हाय इमरान, माय लाइफ इज रियली अंडर द स्मूथ सिचुएशन। की हो गया तेनू गुड्डू, की हो जी अंग्रेजी बोली जा रहे हैं, पुट्ठी सीधी, लोग वेख रहे ने मेडिकल स्टोर ते, तू मतलब लोग हसणगे? कहना है, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, मेरे बाप का क्या जाता है। मैंने कहा, चल भाई इधर से चल चल नाश्ता करने के लिए चलते हैं, चल आज जरा बोंग पाए खाने आए हैं। ते को कहने लगा कि नो, आई एम जस्ट हेडिंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट नाउ डेज। ओके, तो मैं क्या, नो देसी आर ब्यूटिफुल लाहौरी नाश्ता? कहता, नो जस्ट बिकॉज अंडर द मेंटल सिचुएशन आई जस्ट ब्रेक्ड खद पाए जबान बोंग नली द नाश्ता। मैं कहा, ओह वाह, व्हाट इंग्लिश, मजा आ रहा ना, मजा आता है यार जब हम किसी की गलत अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो मेरी टीम का ऐसा खिलाड़ी हो जिसने 25 साल मेहनत करके ग्राउंड में धूप में खड़े होके अपने मुल्क के लिए नाम कमाया हो, ट्रॉफीज कमाई हो, इनामात कमाए हो, पर हम लोगों ने तो उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाना है ना, क्योंकि अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है भाई। ओ अंग्रेजी तो पूरी दुनिया च पहले ही मशहूर है, अपनी उर्दू को मशहूर करने की कोशिश करो, अपनी जुबान से मोहब्बत करो। और खिलाड़ियों की अंग्रेजी चाहिए थी, वसीम अकरम साहब है ना, बता भी उन्हें है ना, शेब अख्तर है ना। मेरी आप लोगों से इल्तिमास है, अपनी जुबान उर्दू मेरा फखर है जनाब, आपका भी फखर होना चाहिए। अंग्रेजी सीखना बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी इंसान की इंसानियत, उसके कैलिबर, उसके स्टेचर, उसके स्टेटस का हिसाब लगाना दुनिया का सबसे गलत हिसाब है। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा, अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ जबान है, तालीम नहीं। दुनिया न्यूज़ की तरफ से मजाकरात की तरफ से, मजाकरात की इस खूबसूरत टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा आए, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। My God, the green, the greens, every sort of green. On sahab ke liye taaliya. Wow, 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 wow. Sardar sahab, ye jo complex ban gaya hai, angrezi, Messi, रोनाल्डो या चीन का वजीर आजम, ये सब तो बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, इन लोगों को अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारे लोगों को क्यों है? एमी देखो ना, सभी जिन्हों अंग्रेजी नहीं आती, ये दादा जी ने सजा दी अंग्रेज ने, उन्हें क्या हैंग टिल डेथ, तो उन्होंने नहीं सहनी, वो कह रही बड़ी मेहरबानी तेरे बच्चे की।
अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब एवं परेशान नहीं होना चाहिए। मैं लंदन गया, इमीग्रेशन पे मुझे पूछ रहे थे, मुझे नहीं आ रही, पीछे पाकिस्तानी बंदे खड़े थे, वो हंसन लग पे। अच्छा तुम्हें भाजी इंग्लिश नहीं आती? तो मैं क्या जरा अंग्रेज है इनू कदों पंजाबी आती? हनी सर आज इंग्लिश में बात करते हैं। हाय व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई नो अंग्रेजी सर। अच्छा इंग्लिश बोलनी है सरदार साहब? आज इंग्लिश बोलनी है आज? नहीं मुझे इंग्लिश आती है। योर नोज इज वेरी बिग। आई सो टॉकिंग इज इंग्लिश। या I am moving upstairs. You are looking like a miniature in the ditch of the indecency. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! इस तो बाद मेरी मुक गई है। Look my brother face just like pressure cooker. Oh! I have kindly granted me for 2 days. What? What? You are obedient. This is thirsty crow. Application. And Abu Bin Azam and Casa Bianca. Best teacher, my best friend. Oh my God. Of course. And what is the moral of story? No. आपके लिए गाना है लिटिल लिटिल मून वॉच। थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया।